अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है खैरियत होंगे। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो की ट्रांसमिशन जीत का जोश, और मैं आपके साथ मौजूद हूं तलहा इनाम, मेरे साथ यानी हमारे साथ नई सुबह वेब रेडियो के साथ आपके साथ हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग यहां पर मौजूद होते हैं। साकिब रजा हमारे साथ मौजूद होते हैं, एहसान इकबाल हमारे साथ मौजूद होते हैं, और हमारे सबके दिल अजीज़ चप्पू भाई जो आज हमारे साथ भी मौजूद नहीं हैं, आज भी हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, उनको हम याद रखेंगे और याद करते रहेंगे। चप्पू भाई आपको हम सब मिस कर रहे हैं, लेकिन आपको बताते चलें, आप सुन रहे हैं जीत का जोश ट्रांसमिशन T20 वर्ल्ड कप, और वर्ल्ड कप अपने उरूज पर है और हमारी ट्रांसमिशन स्टार्ट हो चुकी है। तमाम लिसनर तमाम जल्दी जल्दी आ जाएं, वेब रेडियो लगा लें और जल्दी से सुने मैच में क्या हो रहा है, कौन सी टीम वार कर रही है, कौन सी टीम हार रही है, क्या हो रहा है T20 वर्ल्ड कप में। हमारे साथ साकिब मौजूद हैं। जी साकिब, आप क्या कहते हैं, क्या हो रहा है T20 वर्ल्ड कप में। जनाब अली, अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, क्या हाल चाल है, कैसे मिजाज है, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपनी ज़िंदगियों में हंसते मुस्कुराते अपनी ज़िंदगी को जी रहे होंगे। जनाब अली, गर्मी अपने उरूज पर है, वर्ल्ड कप की गर्मी भी अपने उरूज पर है, वर्ल्ड कप में बहुत कुछ हो रहा है जनाब। कल पाकिस्तान के लिए एक और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हुई कि इंडिया ने USA को हरा दिया। लग रहा था कि मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इंडिया ने बिल आखिर वो मैच जीत लिया। काफ़ी सारे लोग समझ रहे थे कि ये मैच फिक्स होगा, इंडिया जो है जानबूझ के हारेगा ताकि पाकिस्तान के लिए कोई चांस बाकी न रहे आगे क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं था। क्रिकेट उन्होंने खेली, अच्छी क्रिकेट खेली, और बिल आखिर कल इंडिया ने USA को शिकस्त दी। इस तरह पाकिस्तान की जो होप्स हैं वो अभी भी अलाइव हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत सारी जो है ना खुशियां आ रही हैं, सिचुएशन बन रही है पाकिस्तान के लिए क्वालिफाई करने के लिए, सुपर एट में जाने के लिए, पाकिस्तान के लिए मज़ीद जो रास्ते हैं वो खुलते चले जा रहे हैं। बस अब एक चीज़ रह गई है कि कल मैच होने जा रहा है USA का आयरलैंड के साथ। अगर वहाँ पर आयरलैंड USA को हरा देता है तो बहुत ही फिर हम आयरलैंड को दुआएं देंगे, जिस तरह हमने नेदरलैंड को अभी गुज़िश्ता बरस आज से 2 साल पहले हमने दुआएं दी थी, इसी तरह एक बार फिर हम आयरलैंड को अपनी दुआओं में याद रखेंगे, और बहुत ज़्यादा फिर मज़ा आ जाएगा अगर कल ऐसा होता है वाकई कि आयरलैंड USA को हरा देता है। तो जनाब एहसान इकबाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसान इकबाल, कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, वेलकम टू द जीत का जोश। वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय स्वीट लिसनर्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। जीत का जोश की पुरजोश ट्रांसमिशन आप सुन रहे होंगे। T20 वर्ल्ड कप की पल भर बदलती सूरत हाल का जायज़ा आपके सामने हम पेश करते हैं इस ट्रांसमिशन में। कोशिश करते हैं थोड़ा फन हो, थोड़ी इन्जॉयमेंट हो, थोड़ा एक्सपर्ट ओपिनियन हो। हमारे साथ कॉलर्स मौजूद होते हैं, किस तरह होते हैं आपको पता ही है, 0330860072 और facebook.com/naisubahinstitute के थ्रू आप हम अपने कमेंट्स पहुंचाते हैं, फीडबैक लीव करते हैं। इसके अलावा आप हमारे प्रोग्राम में, हमारी इस ट्रांसमिशन में, हमारी इस महफिल में, हमारी इस मजलिस में बतौर कॉलर भी शामिल होकर अपना एक्सपर्ट ओपिनियन, अपनी शायरी, अपने फ़नून लतीफ़ा से हमें और हमारे लिसनर्स को महसूस कर सकते हैं। अच्छा जी, कल का जो मैच खेला गया USA वर्सेस इंडिया, वो बहुत मज़े का मैच इसलिए रहा कि 111 रन का टारगेट इंडिया के लिए पहाड़ जैसा साबित होने वाला था और हो गया था, सिर्फ एक ओवर पहले जब वो इंडिया ने उसको विन किया। और मुझे कल साकिब बहुत हंसी आई। अच्छा। मेरे कज़न बैठे थे, वो मुझे कहते हैं यार आपने देखा सूर्य कुमार यादव ने कितनी जो है वो अकल के साथ इनिंग खेली। मैंने कहा उन्हें 40 गेंदों में 50 रन बनाए, कह रहे तो ये अकल के साथ इनिंग खेली ना, अगर हर दूड़ी जैसे वो जैसे अपने नेचर के मुताबिक खेलते तो आउट हो जाते। तो मैंने उनसे कहा अच्छा अगर बाबर आजम 33 पे 33 बनाए तो आप उन्हें अकलमंद नहीं कहते, और सूर्य कुमार यादव बनाए तो 49 पे 50 तो अकलमंद कहते हैं। वाह भाई अच्छा मजाक है। तो ये एक सिलसिला है बालाल जी, सूर्य कुमार यादव से ज़्यादा तारीफ बनती है वेस्ट इंडीज़ के चैंपियन रदरफोर्ड की, क्या बेहतरीन 29 गेंदों में 68 रन बना दिए जी, साबित कर दिया काली आंधी ने कि वह अभी भी भरपूर काली आंधी है। और वेस्ट इंडीज़ ने न्यूजीलैंड का सफ़र तकरीबन तमाम कर दिया है इस T20 वर्ल्ड कप में। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो टीम सेमीफाइनल्स और फाइनल्स खेलती थी वो खतरे में, बल्कि उनको लाले पड़े हुए हैं आगे जाने के, सुपर एट में जाने के। पाकिस्तान, श्रीलंका ऑलरेडी बाहर है, पाकिस्तान भी बस बाहर ही है, बाहर से इन हो जाए। वो एक नया रूल बना था ना कि अगर छक्का लग रहा हो बाउंड्री से बाहर, आप हाथ मार के बॉल को अंदर कर दें तो वो छक्का तसव्वुर नहीं होगा। तो
अगर कोई पाकिस्तान को बाउंड्री से बाहर जाती पाकिस्तान को हाथ से अंदर कर दे तो अलग बात है, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान के चांसेस नहीं है। श्रीलंका इंग्लैंड, तकरीबन इंग्लैंड के भी चांसेस मुश्किल लगते हुए नज़र आ रहे हैं अनटिल अनलेस कुछ बड़ा चमत्कार ना हो जाए। न्यूजीलैंड जो है वो भी बाहर हो चुकी है तकरीबन, तो ऐसी ऐसी टीम्स बाहर हो रही हैं जिनको बंदा सोचता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का या ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज़ का कहीं ना कहीं फाइनल होता दिखाई दे रहा है फिलहाल जो सूरत हाल है, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की, वेस्टइंडीज़ की और इंडिया की परफॉर्मेंस जा रही है। वेल जनाब, मेरे ख्याल से बातें बहुत सारी करनी है और आज तो मैंने सोचा है कि मैं शायरी का भी प्रॉपर तड़का लगाऊंगा, क्योंकि शायरी के ऊपर मेरी बहुत बहुत ज़्यादा सवाल उठ जाते हैं ना। फिर वो कहते हैं ना, जब हमारे पुराने प्लेयर्स थे ना, मोहम्मद हफीज़ टाइप के जो प्लेयर्स थे, जब बहुत ज़्यादा तनकीद हो जाती थी ना, फिर किसी मैच में वो 100 मार दिया करते थे, तो ये वाला सीन है हमारा भी। जीत का जोश में जनाब हम आपके साथ होते हैं रोज़ाना 3 से 4, आज भी आपके साथ हैं। वर्ल्ड कप में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत गेमा गेमी है, क्योंकि पाकिस्तान की होप्स भी अभी अलाइव हैं, तो बहुत कुछ हो सकता है। मजीद ज़ाहिर सुपर 8 में अगर चले गए एहसन, तो क्या ही बात हो जाएगी। पाकिस्तान इसी चीज़ से जाना जाता है कि बाद में जो है ना सब डिपेंड कर रहा होता है कुदरत का निज़ाम, तो अब फिर कुदरत के निज़ाम पे बात आ गई है कि कल बारिश ना हो, कल यूँ ना हो, पाकिस्तान के लिए जो है ना USA को हरा दे किसी तरह आयरलैंड। तो ये तकरीबन हर टूर्नामेंट में इस तरह की सिचुएशन बनती ही बनती है, अब की बार भी बन ही गई है। तो जनाब इसको कैसा देखते हैं एहसन, क्या समझते हैं कि ये जो चीज़ें होती हैं पाकिस्तान के लिए ये ठीक हैं? मतलब हमें तो सुपर 8 में जाना है ना यार, जैसे भी जाएं, अब ऐसे जाएं या वैसे जाएं, तो क्या कहेंगे इस पर? बस इसी वजह से ना फिर हम वैसे नहीं जा पाते, ऐसे ऐसे ही जाते रहते हैं, तो हमें अपनी मैंटेलिटी ठीक करनी होगी। मेरे ख्याल से मैं जब पाकिस्तान के जो साबिक चेयरमैन हैं रमीज़ राजा साहब, जब वो चेयरपर्सन थे, क्योंकि क्रिकेट की अच्छी खासी नुहाव थी उनको, तो उनका ये था कि मेरा सबसे बड़ा जो मकसद है वो पाकिस्तान के ऊपर जो अनप्रडिक्टेबिलिटी का टैग लगा हुआ है ना, इसको हटाना है। तो ये पाकिस्तान को हर बार पाकिस्तान का इमेज ख़राब करता है, यानी आप किसी मैच में 300 प्लस स्कोर चेस कर रहे हो, और किसी मैच में आप, मैं वनडे की बात कर रहा हूँ ऑफकोर्स, और किसी मैच में जो है वो आप, मतलब आपसे 150 भी नहीं बन पा रहा, यानी उसका 50% भी आपसे नहीं बन पा रहा। इसी तरीके से अगर हम दूसरी टीमों की बात करें तो दूसरी टीम से भी यही मसाइल तो होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते, कभी ऐसा हो जाता है और कभी फिर जाहिर सी बात है उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक करते हैं, तो इस तरह के मसाइल से वो निकल आते हैं। लेकिन हम लोग, जैसा कि साकिब ने बताया कि न्यूजीलैंड का मैच बारिश की वजह से, बारिश की नज़र हो गया था, पाकिस्तान जो है वो इन हुआ था, तो 1992 का वर्ल्ड कप हम जीत पाए थे, फिर 2009 में भी हम लगभग इसी तरीके की सूरत हाल के, लेकिन 2005-7-9 जीत ये वाले वर्ल्ड कप से, इनमें पाकिस्तान का कोई सानी इंडिया के अलावा नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि पाकिस्तान भी अग्रेसिव क्रिकेट खेलने के हवाले से जाना जाता था। आपके पास शाहिद अफरीदी थे, अब्दुल रजाक थे, आपके पास उमर इकबल थे, और इस तरह के जितने प्लेयर्स थे, शुएब मलिक भी बहुत अग्रेसिव स्टार्ट में खेला करते थे, तो इन प्लेयर्स की वजह से पाकिस्तान भी अग्रेसिव मूड में था। और उसके बाद फिर जब पाकिस्तान वक्तन वक्तन दूसरी टीमों ने ये अग्रेशन को, पहले लोग क्रिकेट को आर्ट समझते थे, क्लासिक क्रिकेट को ज़्यादा पसंद करते थे, जो वेस्टइंडीज़ टाइप की टीम्स हैं, अफ्रीका टाइप की जो टीम्स हैं, इनको अग्रेशन के लिए पसंद किया जाता था, जस्ट बिकॉज इनका जो एक स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से ये बहुत पावरफुल बैटिंग पसंद करते हैं और इनको सूट भी करती है। हमारी तरफ के जो प्लेयर्स थे उन्हें क्लासिकल मोड में देखना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी भी मैं समझता हूँ ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट को एज आर्ट देखना चाहते हैं, रादर देन जो अभी हमने कमर्शलाइजेशन की वजह से क्रिकेट को ख़राब किया है लीग्स वगैरह की वजह से। बहरहाल बहुत लंबा टॉपिक है और इस पर जितनी बात की जाए कम है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान की बात करें तो सुपर 8 में पाकिस्तान का जाना मुश्किल है भी और नहीं भी, लेकिन पाकिस्तान चला भी जाए तो, मैं बहुत से लोगों के कमेंट्स पढ़ भी रहा था और बातें भी जब किसी से होती हैं आसपास, तो यही लोग को ओपिनियन होता है कि पाकिस्तान अगर ना जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ना जाने से हम एक वक्त तो कड़वा घूट पी लेंगे कि पाकिस्तान सुपर 8 में नहीं गया, मतलब जो दूसरे पिछले वर्ल्ड कप्स, दो लगातार वर्ल्ड कप्स में सेमीफाइनल और फाइनल की टीम सुपर 8 में नहीं जा सकी, लेकिन हमें अपनी गलतियों को हाईलाइट करने का, गलतियों पर काम करने का ज़्यादा मौका मिलेगा अगर हम सेमीफाइनल तक खेलते हैं। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर, पाकिस्तान के ऑफिशियल्स, पाकिस्तान के क्रिकेट एनालिस्ट्स और एक्सपर्ट्स जिस तरीके से इस वक्त चार्ज हुए हुए हैं और जो हाइप क्रिएट हुई हुई है, जिस तरीके से लाइमलाइट में आए हुए हैं तमाम लोग, तनकीद की नज़र में आए हुए हैं, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा चांस है कि पाकिस्तान इसको प्रोडक्टिवली और कंस्ट्रक्टिवली जो है वो आगे लेकर चले और पाकिस्तान में कुछ ऐसी चेंजिंग्स हो जो पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए आगे चलकर साजगार साबित हो सके।
जनाब एहसन इकबाल की ये टिप्स हैं पाकिस्तानी टीम के लिए। अगर कोई सुन रहा है इस वक्त, अगर हमें बाबर आजम सुन रहे हुए तो क्या कहने जनाब। जनाब यही बात है, पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। और अगर जीत जाते हैं हम यहाँ पर सुपर एट में चले जाएंगे, फिर हम भूल जाएंगे कि भाई क्या गलतियाँ थी, किस तरह हम इंडिया से हारे थे, किस तरह हम यूएसए से हारे थे, ये सब भूल जाते हैं हम काम नहीं करते फिर इन चीज़ों पर। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों पर काम करें, और जो चीज़ें हुई हैं, जो मिस्टेक्स हमसे हो जाती हैं, इन पर बहुत ज़्यादा ही काम करने की ज़रूरत है। डोमेस्टिक जो आपका सिस्टम है, निज़ाम है, उसको भी आप ठीक करें, ताकि आपके पास जो प्लेयर्स हैं डोमेस्टिक के थ्रू जब आते हैं ना, तो मैं समझता हूँ वो अच्छा खेलते हैं एज़ कम्पेयर टू PSL। PSL T20 आपका फॉर्मेट है, वहाँ से आपको फिर मतलब भरपूर जाँचने का मौका नहीं मिलता। बाकी ज़ाहिर है हमारी पिचेस भी पाकिस्तान की ऐसी होती हैं जहाँ पर 200 रन बन रहे होते हैं, 250 रन बन रहे होते हैं, सबके लिए ईजी होता है खेलना। तो बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। तलहा इनाम भी हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब तलहा इनाम, आप क्या इस वक्त पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, या आप भी बाकी लोगों की तरह कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिज़र्व नहीं करता, पाकिस्तान को आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह की हरकतें की हैं इस तरह तो डिज़र्व ही नहीं करता वो आगे जाना, तो क्या कहेंगे इस पर? साकिब, बहुत सारी चीज़ों को अगर देखें तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि डिज़र्व नहीं कर सकता, नहीं करता पाकिस्तान, लेकिन बहुत सारे ऐसी वजूहात भी हैं जिनकी वजह से अब अगर परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो चलो यार बख्श देते हैं, हमारी कौमी टीम है, आगे परफॉर्मेंस देते हैं, सुपर एट में चले जाते हैं, और आगे मजीद आगे मुकाबले पाकिस्तान के लिए यकीनन होंगे। सिर्फ ऐसे ही नहीं है सुपर एट में चले गए तो बस ख़त्म, इंडिया से अभी हार गए हैं, USA से हार गए हैं, चांस अगर बन जाता है पाकिस्तान का तो फिर आगे देखते हैं पाकिस्तान क्या करता है फिर। और मजीद दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, ये तो गया। जब से दिल को मेरे तू लगा है, नींद रातों की मेरी, चाहत बातों की मेरी, चैन को भी मेरे तूने यूं ठगा है। जब सांसें भरूं मैं बंद, आंखें करूं मैं नजर, तू यार आया, दिल को करार आया, तुझ पे प्यार आया, पहली पहली बार आया, ओ यारा, दिल को करार आया, तुझ पे प्यार आया, पहली पहली बार आया, ओ यारा। और साकिब रजा मेरे साथ मौजूद हैं, मगर इनको अपनी चेयर के साथ कोई मसला लगता है मुझे, ये बहुत खेलते रहते हैं कुर्सी के साथ। ठीक है, मैं कुर्सी के साथ तो नहीं यार, मैं तो हर जगह खेलता हूँ, ये खेल खेल में भी खेलते रहते हैं, तो इनको टिक के बैठने की आदत नहीं है। बहरहाल जी, हम आगे चलते हैं, हम खेलने की चीज़ है, बार बार खेल। ये साकिब रजा के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला इन्हें सुकून दे, चैन दे, इनके दिल को करार आए, इन्हें भी प्यार आए। यार चप्पू भाई होते हैं यहाँ पे यार, बस चप्पू भाई को बहुत मिस करते हैं हम, चप्पू भाई के साथ भी खेलते रहते हैं ना, इसलिए मिस करते ही। अच्छा जी, खेल की बात हो रही है तो बेहतरीन खेल जा रही है, ग्लोबल लेवल पे खेल जा रही है, T20 वर्ल्ड कप 2024 की हम बात कर रहे हैं। ये वर्ल्ड कप ऑफ अपसेट्स इसे हम कह सकते हैं, वर्ल्ड कप ऑफ न्यू थिंग्स इसे हम कह सकते हैं, वर्ल्ड कप ऑफ यूनिकनेस कह सकते हैं, कुछ भी हम कह सकते हैं इस टूर्नामेंट को। ऐसा कुछ नया हो रहा है कि समझ से बाहर है। हम अगर बात करें कि जो एक मैच हुआ कल, उसमें जो आखिरी ओवर में 33 रन चाहिए थे, तो जो मिचेल सेटनर साहब हैं, यानी ये बॉलर खेलते हैं एज स्पिनर, और बहुत ही ख़तरनाक स्पिनर है पाकिस्तान के लिए, तो बस आप रहने ही दें, तो एक ओवर में 33 रन चाहिए, पहली दो बॉलों पे मिचेल सेटनर साहब दो छक्के मार देते हैं, और उसके बाद फिर डॉट बॉल होती है, फिर एक और छक्का लग जाता है, यानी 18 रन तीन छक्कों में, चार बॉलों पे 18 रन बन जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि 13 रन से ये टीम हार जाती है। तो मतलब एक ये आउट ऑफ द ब्लू एक चांस पैदा हो गया था कि शायद तारीख एक और बार कोई नया रिकॉर्ड बना दे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बहरहाल जी, ये भी एक बड़ी बात है कि वेस्ट इंडीज़ से न्यूजीलैंड हार गया है, और न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से भी हार गया है, हालांकि न्यूजीलैंड ऐसी टीम नहीं है, पाकिस्तान को तो बहुत अच्छे से पता है कि न्यूजीलैंड कैसी टीम है, पाकिस्तान से तो हमेशा न्यूजीलैंड हारता है, लेकिन
और भी वो सिक्योरिटी वाले मामलात भी। हाँ, लेकिन जब पिछले शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में हमें क्लीन स्वीप होते होते बचा था, उसकी तो बात ही अलग है, वो याद नहीं रहता ना आपके। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को जीतना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर हम सारी हार भूल जाते हैं। तो बस ये एक मसला है, पाकिस्तान फिर आखिरी मैच जीत गया, लोग बोले क्या हुआ चार हारे हैं एक जीतो भी तो है, तो ये हमारी एक पॉलिसी बन जाती है। पता नहीं अजीब सी, पहला इनाम पता नहीं कहाँ चले गए, पानी पीने गए थे शायद, करबला और वाला चला गया मुझे लग रहा है। तला इनाम आए हैं? अच्छा जी, हाँ तला इनाम आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। सुन रहा हूँ आप लोग इतनी प्यारी खूबसूरत खूबसूरत बातें कर रहे हैं, उन बातों को सुन के महसूस हो रहा था। वाह भाई, ट्रांसमिशन के माने ही सही, हमारी तारीफ ज़रूर हो जाती है। क्या राज, ये वो वाली बात हो गई ना, राज छुपे हैं, बड़े राज छुपे हैं मेरे लफ्ज़ों की ओढ़ में। ओढ़ में? हाँ ओढ़ में, ज़्यादा आड़ हो गई है। बड़े राज छुपे हैं मेरे लब्जों की आड़ में। आड़ में साकिब, आड़ में, आड़ में, आड़ क्या? ब्रो ब्रो, यू नो आई एम द बर्गर। बड़े राज छुपे हैं मेरे लब्जों की आड़ में। इसे समझने को तस्करा किसी वली से कीजिए। बड़े राज छुपे हैं मेरे लब्जों की आड़ में, इसे समझने को तस्करा किसी वली से कीजिए। मैं तो अजल से ही बड़ा जल्दबाज हूँ मानी, मगर आप मोहब्बत तसल्ली से कीजिए। तो जनाब ये शायरी का माहौल बनाना चाहा था मैंने। हसन साकिब के इरादे काफी अच्छे से ठीक नहीं है, लेकिन फायदा कुछ नहीं हो रहा, इरादे बस इरादे ही हैं, इरादे ही रह गए बस। नहीं नहीं इंशाल्लाह, नीयत साफ तो मंजिल आसान, साकिब नीयत भी साफ रखें। अच्छा बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। अच्छा जनाब, तला इनाम से भी हम शायरी सुनेंगे, एहसन इकबाल से भी हम शायरी सुनेंगे। तो जनाब माहौल बन गया है, माहौल बना नहीं रहे, तो जनाब एहसन इकबाल क्या लाए हैं आज? यार मैं आज क्या क्या लाया हूँ, अभी मुझे देखना पड़ेगा कि मैं आपको शायरी क्या सुनाऊँ। वैसे अब जो ये BGM लगाते हैं ना, बहुत खूबसूरत लगता है यार, इससे मुझे वो गाना याद आता है, जिसे जिंदगी ढूंढ रही है आके, पता नहीं क्या यही वो मकाम मेरा है। बहुत प्यारी गजल है, इससे याद आया मुझे साकिब, कोई मुझको तल्हा यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। तो ऐसा नहीं, इसका मतलब है कि मैं जल्दी ही करीब हमें कोई दावत, दुआएं दुआएं चाहिए सर आप लोगों की। दावत तो आज चलते हैं, कोई मसला नहीं है, दावत के बहाने ही अगर कोई काम बन जाए तो खैर। हम अपने दुखड़े लेके बैठ गए, पाकिस्तान के दुखड़े चल रहे थे, शायरी की बात हुई है, तो मैं अपना एक शेर सुनाना चाहूँगा आपको। दिल हकीकत की तरह तलख ही रहता है मेरा, नहीं तेरा, मेरा नहीं तेरा। दिल हकीकत की तरह तलख ही रहता है तेरा, और मैं हूँ कि तेरे दिल को बदलना चाहूँ, ऐसी कोशिश में ही हलकान रहूँ उम्र तमाम, लाख हा बार गिरूँ गिर के संभलना चाहूँ। इसके बाद मेरी एक पता नहीं क्या गज़ल है बहरहाल, लेकिन अच्छी गज़ल है, मुझे अच्छी कोशिश लगी थी, थोड़ा सा फ़नी था, मैं फर्स्ट टाइम मैंने कुछ फ़नी लिखा था। ये फ़नी थे? नहीं आगे मैं सुना रहा हूँ। अच्छा आगे फ़नी था, मैंने कहा शायद इसको फ़नी कह रहे हैं तो आपकी तो। जीते जी हम जीने वाले मरे मरे से रहते हैं, जीते जी हम जीने वाले मरे मरे से रहते हैं, जाने क्यों ये जान के टोटे परे परे से रहते हैं। ओए, 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 ओए। क्या बात है भाई, क्या बात है। क्या बात है, शायरी है भाई ये, सिर्फ शायरी है ठीक है। चाचा क्या बात है, क्या बात है, शायरी की आड़ में नहीं ओड़ में, शायरी की ओड़ में क्या क्या कह गए ऐसे ना। अच्छा जी फिर एक शेर था, बहनों की हर आन दुआओं के साए में छोटे भाई, इज्जत और उल्फत की बिना पर बड़े बड़े से रहते हैं। शादी करना साकिब, अच्छा शादी करना ये तो जी जी तभी आपको मुखातिब किया। अच्छा, अच्छा। शादी करना दुनिया में जो मकसद वाहिद रखते हैं, अच्छा वही अक्सर लोग सदा फिर छड़े छड़े से रहते हैं। तो इसे मकसद वाहिद मत बनाएं आप, बस मैं ये कह रहा हूँ आपको, इसे वाहिद नहीं होना चाहिए। हम मशरिक के सीधे सादे दिल वाले मर्दाना लोग, ये मेरे लिए था, दिन रोशन या काली रात हो डरे डरे से रहते हैं। बाहमी मोहब्बत के वादों पर जीने वाले
आजिज अब जरा जरा सी बात बनाकर लड़े लड़े से रहते हैं। क्या करने हैं जी? बस ये कोई मैंने इधर आप लोगों ने चैट जीपीटी नहीं बोला, एआई नहीं है, ऐसे निकाल है, एक आधी बहुत होती है। जिस तरह का माहौल बन गया फिर पाकिस्तानियों के लिए मेरा एक शेर है पाकिस्तानी टीम के लिए। चरागे शब की तरह सामना हवा का है, चरागे शब की तरह सामना हवा का है, डटे रहो के अभी इम्तिहान वफा का है। लेकिन बात तो यहाँ खेलने की हो रही है, ऐसा वफा की तो बात आप छोड़ देना, पाकिस्तानी टीम खेल नहीं पा रही है, खेलने के लिए गई है खेल नहीं पा रही है। तो जो वफा है उसमें जो मुश्किलात होती है ना, उस जैसी मुश्किलात खेल में भी नहीं हो सकती। तो अगर इम्तिहान का वफा का इम्तिहान समझकर खेलते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत, पाकिस्तानियत, अवाम के जज्बात की, अवाम के जज्बात से खेलते हैं पर, नहीं नहीं अवाम के जज्बात की परवाह करते हुए खेलते हैं कि अवाम के जज्बात मुतासर ना हो जाएं, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा जोश और वलवले के साथ खेल पाएंगे। अच्छा वैसे ऐसा क्या लगता है कि हम बाकी टीम देखते हैं, अगर मैं इंडिया की मिसाल दूँ तो वहाँ पर अगर वो मैच हारते हैं तो वहाँ की आवाम जो है उनका क्या हाल करती है, उनके घरों पर हमले कर देती है, इस तरह होता है। पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस देखकर आपको लगता है कि यहाँ पाकिस्तान में भी ऐसा कुछ हो सकता है या ऐसा होना चाहिए, एक आध सबक मिलना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या कहते हैं इसमें? नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इज्जत जान और माल इसका तहफ़ मेरे ख्याल से हमें इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद अगर हम बात करें कि इंडिया में जो कुछ होता है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें यार, बहुत सारी मिथ्स भी हैं, कुछ चीज़ें कंफर्म हैं कुछ नहीं है, पता नहीं ऐसा होता होगा, बहरहाल मैं मान लेता हूँ ऐसा होता होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होता होगा। अगर ऐसा होता भी है तो नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से क्रिकेट को एक स्पोर्ट के तौर पर लेना चाहिए। ठीक है आपके जज्बात वक्ती तौर पर उनको ठेस पहुंचती है, लेकिन इसका मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि आप किसी का घर जला दें। वाकईतन ऐसा होता है इंडियन टीम के साथ, इस तरीके से करते हैं वहाँ की आवाम। और जहाँ मेरे ख्याल से पाकिस्तानी टीम भी इस तरह, अब अगर इनके इंटरव्यू सुने तो बताते हैं कि वो छुप छुपा के जो है वो एयरपोर्ट से निकलते हैं और अपने घरों की तरफ जाते हैं, तो ये इतना गुस्सा क्योंकि जज्बात के साथ खेला जा रहा होता है, क्या क्या समझते हैं? क्योंकि हम लोगों ने क्रिकेट को पता नहीं क्या बनाया है, कुछ खुद हमने क्रिकेट को इस तरह सर पे सवार किया, हाइप क्रिएट किए कि भाई ताकि हमारे प्लेयर्स को स्टार बनाया जाए, तो स्टार बना लिया तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, फिर वो भुगतने चाहिए। अब क्या क्या कह सकते हैं? अच्छा हमारे साथ जो हैं वो कॉलर मौजूद हैं, उनको शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। अता हो अता हो कॉलर अता हो कॉलर अता हो कॉलर अता हो अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहां से हमारे साथ मौजूद हैं? जी जनाब हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले एक शेर। हकीकत जानकर ऐसी हमाकत कौन करता है, हकीकत जानकर ऐसी हमाकत कौन करता है, भला बेफेज लोगों से मोहब्बत कौन करता है। ये किसको ताने दे रहे हो? इधर लाओ जरा कॉलर आए हैं हमारे साथ कॉलर मौजूद है नई सुबह वेब रेडियो 0330860072। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हमारे साथ कौन मौजूद है? मैं आपके कॉल में कल आई थी, आपको पता होना चाहिए। हाँ जी कल टेक्निकल वजूहात पर हम आपकी कॉल शायद ले सके थे नहीं ले सके थे, मैं नहीं था बाद में शायद इन्होंने कॉल ले ली थी। अच्छा तो फिर भी आप आ जाएंगे दोबारा? नहीं तो मैं चली जाती, कोई मसला नहीं। नहीं भाई नहीं जनाब, वेलकम कहते हैं आपको, खैर मकदम है आपका, जीत का जोश में आप आज एक बार फिर तशरीफ लाएं। पोएटिक स्पेस से जीत का जोश में तशरीफ लाने का शुक्रिया मारिया कौशल हमारे साथ। रोज रोज ना आया करे तो हम नहीं आते, हुक्म करें आप। हम तो कहते हैं रोज आए। मेरी अगर इतनी मानी जाती तो मैं वजीर आजम होता। अरे बाबा न्यूजीलैंड इंडिया यूएसए न्यूजीलैंड अच्छा न्यूजीलैंड पाकिस्तान से भी हार जाते तो वेस्ट इंडीज से वो हार जाए तो कोई अनोखी बात नहीं है। यानी आप भी भूल गई ना वो चार मैचेस जो पाकिस्तान को हराए थे उन्होंने? वो बारिश की वजह से हारा था पाकिस्तान। मुझे याद है बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन पाकिस्तान यूएसए से भी जीत नहीं सकता अब। उसमें मैं क्या कह सकती हूँ, कोई मसला नहीं। अच्छा अभी बताए ना की मैच में बारिश ना हो।
कल मारिया ने हमसे वादा किया था कि मारिया कुछ लेकर आएंगी हमारे लिए और इरशाद क्या खरगोश लेकर आएंगी, मतलब क्या लेकर आएंगी तो वो तो मारिया बता रही है क्या लाएंगी। मैंने आपको कहा था कि मैं लेके आऊंगी जब पाकिस्तान जीतेगा। अभी पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान बस समझ लेना, यूएसए हार गया तो मतलब पाकिस्तान ही जीता है ना। अच्छा तो अगला जो मैच होना है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, अगर फ्लोरिडा में बारिश हो गई तो बारिश उम्मीदों पर पानी फट जाएगा। बारिश अल्लाह ताला की रहमत है, इसे एंजॉय करना चाहिए। हमें आपसे कोई कुछ सुनाए यार, कोई कोई गाना वाना सुना दें। गाना नेशनल सॉन्ग सुना दें, गाना सुना दें। गाने से याद आया अभी थोड़ी देर पहले कौन गा रहा था, दिल को करार आया, वाह 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 बड़ा अच्छा गाया था भाई। वाह भाई साकिब रजा साहब, थैंक यू वेरी मच मारिया, आपने मेरे गाने को बेसुरी आवाज को पसंद किया। नहीं नहीं अच्छा गाया था, अच्छा गाया ये जर्फ है वैसे मारिया का। मेरी आवाज को बर्दाश्त कर लेते हैं हमारे लिसनर्स यार, बड़ी बात है। हम इसे बार बार रोकते रहते हैं, अगर आप लोग तारीफें करेंगे तो फिर हम इसे रोक नहीं पाएंगे। वो जैसे डोरेमोन कार्टून थे ना, तो उसमें वो कहता था मैं हूँ जियान, तो अगर वो गाना नहीं सुनते थे तो वो मारता था सबको, तो साकिब तो नहीं था यार, किसका था साकिब। साकिब जियान से मिला दिया मारिया ने। नहीं इस इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं हमारा, आगे चलते हैं। इससे पहले साकिब के दिमाग में आइडिया अब इनके अंदर चाहत फतेह अली खान साहब आ गए। चले चले मारिया, आप मुझे लग रहा है हमें घुमा रही हैं, देख घुमा के अभी आपने गाना सुना है ताकि हम आपसे गाना ना सुन पाए। अब आप हमें गाना सुना दें, शाबाश। ओके ओके ठीक है, सॉन्ग में छोटा सा थोड़ा सुना देती हूँ। हाँ थोड़ा छोटू सा मुन्ना सा छोटा सा। ओके कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, आँखों से आँखें मिला के चुरा लूँ तेरे ख्वाब में, ऐसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, आँखों से आँखें मिला के चुरा लूँ तेरे ख्वाब में, मेरे सारे है साथ में यारा जिस जगह तुम हो। क्या बात है, मैं जो जी रहा हूँ क्या बात है भाई, क्या बात है मारिया, आप तो छा गई यार, आप तो अरिजीत सिंह से भी आप आगे निकल रही है। नहीं नहीं ऐसी भी बात नहीं है, अरिजीत सिंह के फैंस मुझे मारेंगे ऐसा ना कहें। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत साकिब ने पता नहीं क्या कर दिया, ये अरिजीत सिंह का फीमेल वर्जन बना दिया आपको, लेकिन आपने बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग परफॉर्म किया। थैंक यू सो मच मारिया, क्या कहना चाहेंगी ट्रांसमिशन के हवाले से और अपना फाइनल वर्डिक्ट? वेल यही कहना चाहूंगी कि मुझे अच्छा लगता है इस ट्रांसमिशन का पार्ट बन के, और मैं सुनती हूँ डेली, इनफैक्ट मैं अपना खाना वगैरह कंप्लीट करके 3 बजे एग्जैक्ट फ्री होके आ जाती हूँ कि मुझे ये ट्रांसमिशन सुननी है, तो कीप इट अप गाइस, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए मोटिवेशन का बाइस बनता है, आप लोग ट्रांसमिशन में आकर ट्रांसमिशन की रौनक बनते हैं। चप्पू भाई को लेके आइएगा, चप्पू भाई का इंतजार है। हाँ जी चप्पू भाई को हम खुद बहुत मिस कर रहे हैं, चप्पू भाई बस कुछ चीजें खरीदने में लगे हुए हैं, दुआ करें या तो उनका पैसा खत्म हो जाए या चीजें खत्म हो जाए। ये वाली दुआ कर रहे हैं भाई, पैसा पैसा करते रहते हैं हमें, मतलब नीचा दिखा रहे होते हैं। चलें बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं, नंबर आपको पहले कई बार बता चुके हैं, दोबारा बता ही देते हैं, नंबर 0330860072। साकिब अब मेरी बारी है, सारी परफॉर्मेंस हो गई, अब मैं कुछ सुनाऊंगा, और मैं ना चप्पू भाई नहीं है तो मैं चाहता हूं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना कुछ सुनाऊं, ताकि मेरी जो गज़ल, मैं दुखी गज़लें लेके आता हूं और चप्पू भाई ना उन गज़लों को दुखी से फ़नी कर देते हैं, तो जब तक कि चप्पू भाई नहीं आ रहे हमारे साथ नहीं है, तो मैं दुखी दुखी गज़लें सुनाता हूं और आप लोग फिर दुखी हो जाएं मेरे साथ। आहो जारी। अब होगी तलहा की शायरी और हमारी होगी आहो जारी। बस रोना नहीं के। लो आहो जारी कर लेना, रोना बस रोना नहीं यार, ये बीजीएम सुन के ना बस क्या वफा का सिला।
अच्छा खैर, मेरी जो गजल है, जो गजल है, उसका उन्वान है वफा का सिला। एकदम मस्त आए हो तुम। मस्त चप्पू भाई याद आ रहा है, बहुत ही शिद्दत से बीजीएम पे फनी गुफ्तगू हो रही है, समझ नहीं। यही वफा का सिला है तो कोई बात नहीं, ये दर्द तुमने दिया है तो कोई बात नहीं, यही बहुत है कि तुम देखते हो साहिल से सफीना डूब रहा है। साकिब, यही बहुत है कि तुम देखते हो साहिल से सफीना डूब रहा है तो कोई बात नहीं। आईना दिल बनाया था तुमने तोड़ दिया है तो कोई बात नहीं। यार ये आया है से ना, मुझे कुछ और याद आया था, थोड़ा आया है कम करो। वो कितनी दूर से पत्थर उठा के लाया था मैं सर को पेश न करता तो और क्या क्या कहें। बिल आखिर जीस्त के काबिल बना हूँ, बड़ी मुश्किल से पत्थर दिल बना हूँ। बिल आखिर जीस्त के काबिल बना हूँ, बड़ी मुश्किल से पत्थर दिल बना हूँ। वो आए हैं सरापाए जिस्म बनके, मैं घबरा के मुजस्मे दिल बना हूँ। यहाँ मकतूल ही ठहरे हैं मुजरिम, जी ठहरे हैं, मेरा थोड़ा सा ठहरना खराब है इसलिए मुझसे ठहरा नहीं जाता। यहाँ मकतूल ही ठहरे हैं मुजरिम। यार इतनी सैड पोएट्री पे चप्पू भाई का किरदार अदा कर रहे हो साकिब अभी आप। इसने अपने वो ओढ़ का बदला लिया। और यहाँ मकतूल ही ठहरे हैं मुजरिम, यही कुछ सोच के कातिल बना। यार ये क्यूटनेस होती है, पता आप लोगों को, ये क्यूटनेस होती है। इसमें क्या क्यूटनेस, क्यूटनेस ठहरे, ये क्यूटनेस है मेरी। अच्छा मैं समझा, शायद इस शेर के माने बता रहे हैं कि क्यूटनेस है कि वो। नहीं नहीं, ये मेरी क्यूटनेस है यार। यहाँ मकतूल ही ठहरे हैं मुजरिम, यही कुछ सोच के कातिल बना हूँ। बड़ा मोहताद हूँ महफिल में तेरी, सो तेरी जानिब से गाफिल बना हूँ। मैं खा के ठोक रहे हैं तेरी गली की, बड़ा मुर्शिद बड़ा कामिल बना हूँ। कोई समझेगा क्या मुझे। नहीं नहीं, ये शेर दोबारा। मैं खा के ठोक रहे हैं तेरी गली की, बड़ा मुर्शिद बड़ा कामिल बना हूँ। कोई समझेगा क्या मुझको, ये आखिरी शेर मेरे लिए। कोई समझेगा क्या मुझको, हाँ मेरे लिए, मेरी तरफ से। हम सुन ले? जी जी आप तो सुने ना यार। कोई समझेगा क्या मुझको, मैं खुद अपने लिए मुश्किल बना हूँ। चले किसी बात से तो अग्री हुए आप मेरी। जनाब ये तलहा की शायरी जिसको हमने किया एंजॉय और बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में, जीत का जोश में, ये हमारे तलहा इनाम एहसन इकबाल। पुरनम शायरी भाई, आंखें पुरनम हो जाती हैं। जीत का जोश, नई सुबह वेब रेडियो पर हम आपके साथ हैं, क्योंकि जाहिर है जोश वलवला वर्ल्ड कप में तो अपने उरूज पर होता है, तो हम जो है ना उस वलवले को मजीद आपके साथ बैठकर इन्जॉय करना चाहते हैं। ज़ाहिर वर्ल्ड कप में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं जिसको हम ज़ाहिर देख के खुश होते हैं, एंटरटेन होते हैं, और यही तो एक क्रिकेट ही तो है जिससे हम एंटरटेन होते हैं। बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट है दुनिया की क्रिकेट भी, तो ज़ाहिर पूरी दुनिया में खेली जाती है, पसंद की जाती है। तो जनाब हम भी फिर उसको यहाँ पर बैठ के आपके साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अगर पाकिस्तान जीतता है, ज़ाहिर हमारा मकसद भी यही है ट्रांसमिशन में जो हम आए हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, हमारी सपोर्ट ज़ाहिर पाकिस्तान के साथ ही है, क्योंकि ज़ाहिर हम वतन पाकिस्तान में रहते हैं। तो जनाब क्या क्या कहना, क्या चाहते हैं? मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे मौका नहीं दे रहे आप। अच्छा बोले चले, बहुत शुक्रिया, ये सब कुछ करने की बिना पर मुझे मौका मिल गया बात करने के लिए। अच्छा जी बिल्कुल, साकिब की बातों से एग्री करते हुए मैं आज के मैचेस के हवाले से कुछ बात करना चाह रहा था कि आज के मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू रन रेट, क्योंकि इंग्लैंड वर्सेस ओमान का मैच है, ये मैच इंग्लैंड के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इंग्लैंड को अपना रन रेट बहुत बेहतर करना है, तो ये मैच इंग्लैंड को न सिर्फ जीतना है, ऑब्वियस सी बात है ओमान से भी अगर इंग्लैंड हार जाए तो फिर तो इंग्लैंड को इंग्लैंड कहाँ नहीं जा सकता ना, तो ओमान से इंग्लैंड को जीतना है और बहुत अच्छे मार्जिन के साथ इसे जीतना है ताकि वर्ल्ड कप में अपनी एग्जिस्टेंस इंग्लैंड शो कर सके, क्योंकि अभी तक एक पॉइंट है उनका और वो एक पॉइंट भी बारिश की बदौलत है। अच्छा जी अगर हम बात करें बांग्लादेश, तो बांग्लादेश ने भी अपना एक मैच जीता हुआ है और एक मैच वो जो हारे हैं वो बहुत ही क्लोज जाकर हारे हैं, तो उनका रन रेट इतना बुरा नहीं है। अगर वो नेदरलैंड से मैच जीते हैं और बहुत अच्छे रन रेट के साथ जीते हैं तो मे बी उनके लिए बहुत अच्छा
साबित हो सकती है ये चीज़ भी। तो इसके अलावा जो तीसरा मैच है अफगानिस्तान वर्सेस पीएनजी यानी पप्पू भाई की टीम तो पपुआ न्यू गिनी की जो टीम है उसके साथ अफगानिस्तान का मैच है। तो अफगानिस्तान अपने रन रेट को मजीद बेहतर कर सकता है, ऑल दो उन्होंने न्यूजीलैंड को जिस तरीके से शिकस्त फाश दी है उससे उनका रन रेट ऑलरेडी बहुत अच्छा है, तो लेकिन उसे मजीद बेहतर किया जा सकता है। तो ये आज के तीनों मैचेस हैं, बड़ी टीम है एज़ कम्पेयर टू थोड़ी सी छोटी टीम है या एसोसिएट्स टीम्स जिनको हम कह सकते हैं, तो उन टीमों के खिलाफ बड़ी टीमों के मैचेस हैं, उन्हें विन करने में ज़्यादा आसानी होनी चाहिए और अच्छे रन रेट के साथ अच्छे मार्जिन के साथ इन्हें विन करना चाहिए। सो मेरे ख्याल से साके घड़ी देखो और बताओ क्या करना है। घड़ी देख ली है मैंने, मैं चाह रहा था कि बस तुमसे माइक लूँ और इजाज़त लूँ अपने लिसनर्स से, ज़ाहिर वैसे तो टाइम का पता ही नहीं चलता, अभी आए थे गाने एंजॉय करते करते ही टाइम गुजर गया, बोलते बोलते तला की शायरी भी सुन ली, एहसन की शायरी भी सुन ली, अपना भी हिस्सा कुछ कुछ ऐड कर लिया, तो जनाब पता ही नहीं चला वक्त गुजर गया आपके साथ। इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात रहेगी एक बार फिर कल, लेकिन आज की हद तक इतना ही। जीत का जोश से साकिब रज़ा इज़ साइनिंग आउट। This is me, Saqib Raza, signing off. Bye for now. Pakistan, Zindabad!